दोस्तों, इस वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी हुई एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दूं कि पिछले 14 सालों से तारक मेहता का लीड रोल निभाने वाले एक्टर और कवि शैलेश लोढ़ा ने इस शो से अलविदा कह दिया है। पिछले एक महीने से शैलेश ने इस शो के लिए शूटिंग नहीं की है और अब खबर यह है कि शैलेश ने शो पर वापस नहीं लौटने का मन बना लिया है। अब नई खबर यह है कि शैलेश लोढ़ा ने सिर्फ पुराना शो छोड़ा नहीं है बल्कि अपने नए शो की शूटिंग भी शुरू कर दी है। जी हां, शैलेश लोढ़ा एक बार फिर दर्शकों को टीवी पर हंसाते हुए नजर आएंगे। शैलेश लोढ़ा ने अब सब टीवी का साथ छोड़ दिया है और श्यामारो टीवी का दामन थाम लिया है। वही तारक मेहता का किरदार निभाने वाले कवि और एक्टर शैलेश लोढ़ा अब एक नए शो में नजर आने वाले हैं, जिनकी उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी है। शो से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये शो एक हास्य कवि सम्मेलन होगा जिसे शैलेश लोढ़ा होस्ट करते हुए नजर आएंगे। शैलेश लोढ़ा का ये नया शो श्यामारो टीवी पर प्रसारित होगा। हालांकि इस शो में कोई कंपटीशन नहीं होगा बल्कि देश के कई जाने माने कवि इसका हिस्सा बनेंगे। हालांकि शो का नाम क्या होगा ये बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये शो जून में श्यामारो टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। वही आपको याद दिला दे कि इससे पहले भी शैलेश लोढ़ा सब टीवी पर वाह वाह क्या बात है नाम का एक हास्य कवि सम्मेलन कॉन्सेप्ट वाला शो होस्ट कर चुके हैं। वही खबरें आ रही थी कि शैलेश लोढ़ा तारक मेहता के मेकर्स के द्वारा दिए गए अपने कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं थे और यही वजह है कि उन्होंने इस शो से अलग होने का मन बना लिया है। बता दें कि कुछ समय पहले इस शो में तारक मेहता की पत्नी अंजलि तारक मेहता का किरदार निभाने वाली एक्टर नेहा मेहता, सोड़ी बनने वाले गुरुचरण सिंह, दिशा वकानी जैसे कई किरदार इस शो से दूरियां बना चुके हैं। बाकी दोस्तों, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के मुख्य किरदार अगर इस शो से निकल जाएंगे तो क्या इस शो की TRP डाउन हो जाएगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी क्या ये शो तारक मेहता के कारण पूरा अधूरा अधूरा लगेगा या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में ये भी बताना ना भूले। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।